मुखौटा मार्ग पर ग्राम नगण्य से अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए ट्रैक्टर नगर पंचायत कार्यालय के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन में सवार बलराम नामक युवक की ट्रैक्टर ट्राली और रेत में दबने से मौत हो गई। बिलासपुर जिले में तखतपुर के वार्ड क्रमांक 2 कैलाश नगर के पास रविवार को एक युवक की अंजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह जब चरवाहा अपने जानवर को लेकर खेत चराने गया था, इसी बीच उसने खेत में एक युवक की जली हुई लाश देखी, जिसे पैरा डालकर जलाया गया था। गरियाबंद कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बेडकर चौक वार्ड नंबर 10 और 9 के समीप एक खेत में वार्ड नंबर 2 कन्या स्कूल के पास रहने वाली महिला गीता यादव का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। शव के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रायपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुंबई की सूचना पर बारा सिंगा के सिंह की तस्करी करते 2 तस्कर वजीर शेख और अतीक अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी वजीर शेख गढ़चिरौली महाराष्ट्र, अतीक अहमद विनोबा भावेनगर रायपुर का निवासी है। जब्त सिंगों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। कोरबा जिले में केबल व्यवसायी अरविंद सिंह पनवार को गन पॉइंट पर अगवा करने के मामले में प्रदेश के शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया और उनके परिवार के खिलाफ मध्य प्रदेश के व्यापारी ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला कोरबा जिले के मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालक के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक ऑटो चालक ने दूसरे पर लोहे के रॉड से वार कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि ऑटो यूनियन के सदस्य हनुमान दास मानिकपुरी पर बाहर से ऑटो चालकों ने धारदार चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने ऑटो चालकों का आधा मुंडन करके जुलूस निकाला। यह पूरा मामला रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पास का है। स्मृति नगर पुलिस चौकी में दुष्कर्म के एक आरोपी यश गौड़ ने जलता हुआ बल्ब खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसके मुंह से खून निकलता देख पुलिस वाले घबरा गए। उन्हें लगा कि आरोपी ने जहर खा लिया है। आनन फानन में आरोपी को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत आरोपी को पुलिस की सुरक्षा में सलाइन चढ़ाया। स्थिति सुधरने पर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। स्कूल वैन ड्राइवर दीपक यादव हत्याकांड के दोनों आरोपी दुर्गेश यादव और मनोज यादव को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवक की हत्या के बाद शव को होटल सेटलर पॉइंट के पीछे फेंक दिया था। मुख्य आरोपी की प्रेमिका से मृतक का संबंध होने के कारण नाराज मौसेरे भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर जघन्य हत्या को अंजाम दिया। घटनास्थल से मिले बियर बॉटल के पंजीयन नंबर से पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंची। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर युवती को पुलिस या वन विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरक्षक संजय मिश्रा को रायपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजय मिश्रा पुलिस मुख्यालय के CID शाखा से संबंध है। सरगुजा जिले के मणिपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले विधि से संघर्षरत बालक सहित अविनाश मिश्रा व अरशद अंसारी नामक आरोपियों को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी की तस्वीर पेट्रोल पंप में लगे CCTV कैमरे में नजर आ रही थी। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। घटना में शामिल आरोपी अविनाश मिश्रा पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। राजनांदगांव में दूसरे की जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर महिला अधिवक्ता विनीता मदान से बिक्री के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरक्षक गिरधरलाल साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की शिकायत अधिवक्ता ने बसंतपुर थाने में दर्ज कराई है। बसंतपुर पुलिस की टीम ने आरोपी आरक्षक गिरधरलाल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले की दलीराजला थाना पुलिस ने IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वाले ललित जैन उर्फ लड्डू के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कमीशन पर बैंक खाता देने वाले व खाईवाल सहित 4 आरोपी प्रदीप जाना, डोमन सुधाकर, मोहन नेता, मुकेश मराठी को गिरफ्तार कर 1 मोबाइल, 3 बैंक खाते, 2 ATM कार्ड, 1 चेकबुक और नगद 25,000 रुपए बरामद किए हैं। सुकमा जिले के गादीराज थाना क्षेत्र के ध्रुवाराज गांव में 2 परिवारों के बीच नवजात बच्चे के दफनाए गए शव को बाहर निकालने के लिए विवाद हुआ। विवाद के चलते मारपीट हुई, जिनसे कुछ लोगों ने घायल होने की खबर है। गुस्से में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 घरों में आग लगा दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में लिया। दंतेवाड़ा जिले के फांसी थाना क्षेत्र में एक युवक मुरली नायक ने अपनी पत्नी रामवती की हत्या कर दी।
जा रहा है कि चरित्र शंका की वजह से युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक महुआ पेड़ के नीचे दोनों के बीच विवाद हुआ था, जहां युवक ने धारदार हथियार और पत्थर से कुचलकर अपनी पत्नी को मार डाला। आरोपी ने वारदात के बाद शव को अपने घर पर लाकर छिपा दिया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में कुरुद मेगा स्टेट हाईवे पर उमरदा के पास हाईवा ने बाइक चालक सब्जी विक्रेता जितेंद्र निषाद को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क के बीचों बीच बैलगाड़ी रखकर चक्का जाम कर दिया। जांजगीर जिले के शिवरी नारायण थाना पुलिस ने एसपी कार्यालय में शिकायत करने के बाद दुष्कर्म के मामले में एबीवीपी के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आकाश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया है। आरोपी आकाश यादव के खिलाफ युवती ने शादी करने का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। शक्ति जिले के बालाद्वार थाना क्षेत्र में स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से चावल की बोरी चोरी करने वाले 7 आरोपी रमेश गिलहरे, राजकुमार महंत, श्यामलाल सतनामी, तिलोचन भैना, मिठूलाल राठौर, भुवनेश्वर प्रसाद राठौर और संजय कुमार बंसल को चांपा आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मिलकर बड़े ही शातिर तरीके से चावल की 22 बोरियों को पार कर दिया था, जिसे आरपीएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। जसपुर जिले की कुनकुरी थाना पुलिस ने मोबाइल की सूचना पर दुदुला के जंगल से अवैध रूप से लकड़ी चिरान भरकर आ रही पिकअप वाहन को स्टेट हाईवे पर रोककर उसमें लोड साल और सरई लकड़ी के चिरान को जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले की ललमा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चमरपुर से सिहारधार की ओर जाने वाले मार्ग पर ग्राम सिहारधार के रोहित सिद्धार को पकड़कर 12,000 रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। महासमुंद जिले में तुमगांव थाना क्षेत्र के NH-53 के पास बस और ट्रैक्टर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में 7 से 8 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही तुमगांव पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदपुरी में स्थित राकेश जिंदल इंडस्ट्री राइस मिल में बीती रात भीषण आग लग गई। घटना रात के करीब 10 बजे की बताई जा रही है। वहीं अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया गया।